आज रामनवमी पर्व पर गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों साधकों एवं हजारों की संख्या में लोगों ने अपने 9 दिन के अनुष्ठान की पूर्णाहुति की आहुति समर्पित की। विशेष रूप से संपूर्ण यज्ञ कर्म एवं कार्यक्रम गायत्री परिवार की आईटी एवं इंजीनियरों की युवा टीम के माध्यम से सम्पन्न हुआ। टोली के सदस्य श्री सदानंद अम्बेका, राहुल श्रीवास्तव, पंकज बरोदे, पंकज मगरदे एवं श्रीमती प्रियंका मालवीय सभी ने मिलकर यज्ञ कर्मकांड को व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाया। शांतिकुंज प्रतिनिधि सदानंद अम्बेकर जी ने नवरात्रि, राम जन्मोत्सव पर्व के महत्व एवं गायत्री परिवार की समाज कल्याणकारी गतिविधियों को जनमानस को बताया। राहुल श्रीवास्तव जी ने संगीत के माध्यम से युवाओं को प्रेरणास्पद विचारों से अवगत कराया एवं भगवान श्री राम के चरित्र को नए परिवेश में समझाया। गायत्री मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम प्रभाकांत तिवारी जी ने सम्पन्न कराया। भगवान श्री राम की भव्य आरती प्रसादी भोजन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ये आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म दिवस है, तो गायत्री परिवार ने भी भगवान राम के जैसे ही आदर्श जीवन जिए ऐसी प्रेरणा दी है। और आज यहाँ यज्ञ हुआ, जिन लोगों ने अनुष्ठान किया था नवरात्रि का, उसकी पूर्णाहुति थी। उसके अलावा प्रतिवर्ष के अनुसार यहाँ बहुत सारे संस्कार भी सम्पन्न किए गए, जैसे दीक्षा संस्कार हुआ है, कुंसवन संस्कार हुआ है, विद्यारम्भ संस्कार हुआ है, और इस प्रकार से इस यज्ञ के माध्यम से लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। देखिए, हमारे गुरुदेव ने कहा है पीले वस्त्र अर्थात सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा। उन्होंने कहा बेटा भगवान सूर्य से मैं ऊर्जा तुम्हारे लिए मांग करके लाया हूँ। दूसरा, आपने देखा होगा पीला वस्त्र जो है बसंत पंचमी में उत्साह का एक प्रतीक होता है, तो हमारे जीवन में उत्साह बना रहे, हम हर काम को बड़े उमंग के साथ करें, ये पीले वस्त्र की प्रेरणा है। युवा पीढ़ी के लिए गायत्री परिवार का यही संदेश है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, व्यक्ति नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, परिवार का पालन करता है, परंतु हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इसको सोचने की आवश्यकता है। आज हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है, तो हमारे युवा भी जागृत होकर के और जो हमारे देश का पुराना गौरव था उसको कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रयास करें। मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता सदानंद अम्बेकर हूँ और इस शक्तिपीठ पर मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। आज प्रतिवर्षानुसार गायत्री शक्तिपीठ पर और पूरे गायत्री परिवार द्वारा सभी संस्थानों पर भारतवर्ष में राम जन्मोत्सव और जो 24 दिन तक 9 दिन तक साधना करते 24,000 गायत्री मंत्र का लघु स्तर की पूर्णाहुति यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो उसी क्रम में आज का विशेष हमारा ये था कि आज की जो कार्यक्रम का संपन्न किया युवा टोली ने किया है, जो आईटी और इंजीनियर और ऐसे भाई लोगों ने आज कार्यक्रम का टोली का संचालन किया और वो युवा संदेश दिया, युवा जोड़ो अभियान से जुड़ने के लिए आह्वान भी किया कि युवा जुड़े और इस हमारे मिशन से के जो संदेश है उनको घर घर तक पहुँचाए। 2026 तक हमारी बड़ी कार्य योजना है, शताब्दी वर्ष है माता जी का, उसके अंतर्गत हमें बहुत बड़े लक्ष्य दिए गए हैं, उनको गुरु जी को घर घर तक पहुंचाना है, उस उद्देश्य को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। रमेश नागर, गायत्री शक्तिपीठ भोपाल।